दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो या फिर एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हो, उन सभी केसेस में जो ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सभी आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलेंगे ये बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल ट्रिक्स थे। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक नंबर वन की। देखो, एक चीज आपको बताई कि अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो कई चीजों का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो या कोई भी ऑनलाइन चीज है आपने विजिट की और उसका लेना है आपको स्क्रीनशॉट कंप्यूटर यानी पीसी में, तो आप कैसे लोगे? क्योंकि फोन में हमें पता है कि सिंपली वॉल्यूम बटन और पावर बटन को क्लिक किया स्क्रीनशॉट हो जाता है, लेकिन इसमें कैसे? इसके लिए यहाँ पे सिंपल आपको जो शॉर्टकट की है वो यूज करना है, विंडो की को आपको प्रेस करना है और यहाँ पे प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन बटन। इसको जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और वो स्क्रीनशॉट सेव होता है कहाँ पे? वो होता है पिक्चर लाइब्रेरी में। इसके लिए आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको ये जो पिक्चर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको एक मिलता है स्क्रीनशॉट का फोल्डर, जो कि बाय डिफॉल्ट बन जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और इसमें जब आप जाओगे तो आप देखोगे जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है वो यहाँ पे आ गया है। मैं एक बार दोबारा आपको करके शो करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, अब ये राइट क्लिक का ही मुझे स्क्रीनशॉट लेना पूरी स्क्रीन का, तो यहाँ पे आपको विंडो की को होल्ड करना है और प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करना है, और आप देखेंगे ये जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आ गया है। सो ये सबसे पहले ट्रिक थी जो कि बहुत ही ज्यादा काम आती है, चाहे आप किसी भी पर्पज के लिए यूज करें। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, जो है इमोजी कीबोर्ड। आपको पता है कि नॉर्मली आपका जो कीबोर्ड है उसमें कोई आपको इमोजी का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन जब आप फोन में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे आप इमोजी भेज सकते हैं। तो वही काम अगर आपको यहाँ पे करना हो तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपली आपको एक उंगली से विंडो की को होल्ड करना है और दूसरे उंगली से आपको प्रेस करना है फुल स्टॉप। जैसे ही आप ये दोनों बटन दबाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इमोजी कीबोर्ड आ जाता है, और जो भी इमोजी आपको लेना है जैसे सिंपली आपके व्हाट्सएप में होता है वो सभी इमोजीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और वो इमोजी यहाँ पे आ जाएगा बड़े ही सिंपल तरीके से। सो आई होप कि ये वाला जो ट्रिक है वो भी आपको पसंद आया हो। अब बात करते हैं तीसरे ट्रिक की, जो होता है स्विच एप्स। अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैंने कई सारी चीजें खोली हुई है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लोकल डिस्क ही खोला हुआ है, मैं ऑडेसिटी यूज कर रहा हूँ, फिल्मोरा यूज कर रहा हूँ। अब अगर मुझे किसी पर भी पहुंचना है, जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आप मल्टीपल विंडोज पे वर्क कर रहे हो, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ऑल्ट होल्ड करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, एक उंगली से ऑल्ट की को होल्ड करना है, दूसरे से हमें प्रेस करना है टैब को, तो जितनी भी विंडोज आपने खोली हुई है जितनी भी, वो सभी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑन स्क्रीन। अब आपको ऑल्ट को दबाकर ही रखना है, छोड़ना नहीं है, और टैब को दबाना है। जैसे आप टैब को दबाओगे तो ये आगे मूव करेगा, और जिस पे आपने इसे छोड़ा और हाथ हटाया वही चीज यहाँ पे खुल जाएगी। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है जब आप मल्टीपल जो विंडोज है उन पे वर्क करते हैं, और ऑफिशियल बिहाफ पे तो बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। साथ ही इसी के साथ एक और ट्रिक है जो कि इसी में इंक्लूडेड है, कि जैसे मान लो कि एक स्क्रीन मेरी ये है और दूसरी स्क्रीन कोई और है, और दोनों को मैं साथ साथ वर्क करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि विंडो की को होल्ड करना है और आपकी जो एरो कीज होती है, जैसे मुझे इसे लेफ्ट में रखना है तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ लेफ्ट एरो की, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो मैंने कुछ और खोला हुआ है, जैसे कि ये ऑडेसिटी हो गया, तो ये मैंने खोला हुआ है और इसे मुझे राइट में अलाइन करना है, तो विंडो होल्ड किया और राइट में मैंने इसे अलाइन कर दिया। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन पे ही दो विंडोज को सामने रख कर कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो है न्यू डेस्कटॉप। आज तक आपने सुना होगा न्यू पेज, न्यू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट, लेकिन न्यू डेस्कटॉप मतलब ये जो पूरा डेस्कटॉप है आपका, ये बिल्कुल एक नया डेस्कटॉप आ जाएगा एक नए यूजर के लिए। मान लीजिए कि आपके घर पे एक ही सिस्टम है और आपका बड़ा भाई या कोई भी पर्सन उस पर वर्क कर रहा है। अब क्या है कि इसने सारा कुछ खुला हुआ है, देख सकते हो आप, ये भी यूज किया जा रहा है, ये भी यूज किया जा रहा है, ये भी है, मतलब वो अपना पर्सनल तौर पे यूज कर रहे हैं। तो अगर आप एक नए यूजर की तरह बिल्कुल एक नए इंटरफेस के साथ वर्क करना चाह रहे हो और उनके काम को भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कंट्रोल की को होल्ड करना है एक उंगली से, फिर विंडो की को होल्ड करना है दूसरी उंगली से, दोनों को दबा के रखना है और फिर प्रेस करना है डी। आप नोटिस करना है यहाँ पे जो ये तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, और मैंने यहाँ पे प्रेस किया, अब ये नया डेस्कटॉप आ गया है। अब अभी आपको इतना रियलाइज नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो टैब को प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे शो करेगा कि जितने डेस्कटॉप मैंने खोले हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है डेस्कटॉप वन। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो जो चीजें मैंने खोल रखी थी वो सब आ जाएंगी, और इसी की जगह अगर हम यहीं पे आते हैं
जो अभी हमने खोला था रिसेंट, उसमें आपको कोई भी यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल एक फ्रेश डेस्कटॉप की तरह है। कहने का मतलब आप एक ही कंप्यूटर में एज अ मल्टीपल यूजर वर्क करना चाहते हैं, कि आपके भाई ने एक अलग डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं और अभी वो वर्क नहीं कर रहे, उनका काम वैसे ही रहने देना और आप यूज करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लास्ट ट्रिक के, जो कि मे भी आपको पता होगा, जो कि है लॉक कंप्यूटर। कई बार क्या होता है कि अगर आप ऑफिस में हो और अर्जेंटली आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है या फिर वॉशरूम जाना पड़ रहा है, टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो उस केस में आप अपना कंप्यूटर ओपन करके नहीं जाना चाहोगे। जाहिर सी बात है हर कोई अपनी सिक्योरिटी चाहता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली आपको विंडो प्लस एल, विंडो की को होल्ड कीजिए, एल को प्रेस कीजिए और आपका कंप्यूटर हो जाएगा लॉक। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं करने वाला, नहीं तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, विंडो की को होल्ड किया और एल प्रेस किया, आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने जाने कुछ अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।